हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे, सभी फटाफट से आ जाइएगा। सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फ्री रेडिकल के बारे में। लास्ट टाइम हमने जाना था पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या रहेगा आज का? आज हम बात करेंगे कुछ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। लास्ट टाइम हमने मेजर और माइनर के बारे में डिस्कस किया था कि क्लोरीन होगा तो क्या मेजर कैसे चेक करते हैं, यील्ड चेक करके हमने देखा था कि पॉसिबल हाइड्रोजन्स जितने होंगे, मतलब एक जैसे हाइड्रोजन होंगे एक जैसा प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे आगे आज अपना पॉसिबल प्रोडक्ट किसी रिएक्शंस में कितने निकलेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे, फटाफट से आ जाइएगा, जल्दी से कनेक्ट करिएगा। एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्म करेंगे सभी मुन्ना लोग। इसके अलावा आपके लिए जो स्पेशल क्लासेज हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेज जिनको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेज, स्पेशल क्लासेज बोले तो फ्री क्लासेज, जो कि आप क्या करते हो अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर देख सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर। यहाँ आपको क्या करना होगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो आपको क्लासेज लॉक मिल सकती है, उनको अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा BCAM10, और इस कोड को यूज करके आप क्लासेज को क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। यहाँ हमारा क्या चल रहा है, GOC चल रहा है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज आपके लिए एक सेशन भी है, आज आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है इनऑर्गेनिक का। आज शाम को आपके लिए इनऑर्गेनिक का एक बेहतरीन सेशन होगा, शाम को 6 बजे, 6 PM, इनऑर्गेनिक के बेस्ट क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक के बेस्ट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज के शाम की क्लास को, स्पेशल क्लास जो कि बिल्कुल फ्री क्लास है, इसको आप देख सकते हो शाम को। ठीक है, यहाँ आपको पोल मिल जाता है, पोल का ऑप्शन, मतलब आपके जैसे आज के क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा, एक लिमिटेड टाइम के पीरियड के अंदर आपको क्या करने होंगे, क्वेश्चंस सोल्व करने होंगे। वीडियो रुका हुआ तो नहीं है दोस्तों, एक बार कंफर्म करने का मेरे पास, क्योंकि वीडियो चल नहीं रहा है, एक बार कंफर्म करेंगे सभी। हेलो, एक बार वीडियो का कंफर्म करें दोस्तों, वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा। इसके अलावा ये जो क्लासेज हैं, GOC के 15 लेक्चर हो चुके हैं अपने दोस्तों, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने 15 लेक्चर हो चुके हैं। आज आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस के साथ शाम को। इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज है Part B, Part C लाइफ साइंस के लिए, ये भी चल रही है, इनको भी आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कैसा है। नेटवर्क इशू है क्या मुन्ना, एक बार कंफर्म करना भाई, कोई देख रहा है तो एक बार कंफर्म कर दो मुन्ना। बिल्कुल चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, आप में से कोई कमेंट करके नहीं बताता अभी चल रहा है या नहीं चल रहा, प्लीज बता दिया करो। नमस्ते नमस्ते, सही चल रहा है ना सब कुछ? ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें Part B के बारे में, और ये वाला यहाँ अगर हम बात करें फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैराथन क्लास अगर आप देखें, रिवाइज इंडिया PYQ 15 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, इसके अलावा Part A, जो कि Part A सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो किसका हो, केमिकल साइंस का हो, इनको भी आपको देखना चाहिए। और जो बिल्कुल स्किप करके जाते हैं उनके लिए मैं बोल देता हूँ, उनको कम से कम क्या करना चाहिए, PYQ जो लगाना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें BCAM10 कोड के बारे में, तो आप इसको यूज कर सकते हो BCAM10 कोड को स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, एज वेल एज प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% अपना डिस्काउंट पाने के लिए। आपको पता ही है दो टाइप का सब्सक्रिप्शन है, प्लस पे आइकॉनिक पे आपको फीचर्स जो है, प्लस के ऊपर लाइव क्लासेस, क्विज, टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, आइकॉनिक के ऊपर आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये आपको किस पे मिलता है, आइकॉनिक के ऊपर मिलता है दोस्तों। देखिए दूसरा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्लस एंड आइकॉनिक पे, तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ये आपको किस पे मिलता है, प्लस एंड आइकॉनिक के ऊपर। और ये कॉमन फीचर्स जो ये है, ये सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक के ऊपर आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होगा, देन आप अनअकैडमी लर्नर ऐप तो जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आप जो प्लस की स्पेशल क्लासेज हैं उनको आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो दोस्तों। एक मिनट में लाइट ही बड़ा डेली लाइट का इशू हो जाता है। ठीक है, तो इनको क्या कर सकते हो, आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, और सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हो तो आप क्या पाओगे, 10% डिस्काउंट भी पा सकते हो BCAM10 कोड यूज करके, BCAM10 कोड यूज करके क्या पा सकते हो, 10% डिस्काउंट पा सकते हो। अब जल्दी से एक बार कनेक्ट कीजिएगा और लाइव शेयर कर दीजिएगा, अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी बातें बाद में करेंगे, जल्दी से आ जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए लास्ट टाइम अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देखा होगा तो आपने
हमने डिस्कस किया था कि कौन सा प्रोडक्ट फाइनल होगा, मतलब कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, कैसे डिसाइड करते थे मेजर और माइनर प्रोडक्ट, मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन कीजिएगा, कल वाले लास्ट वाला जो लेक्चर किया था उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे पहले उसको सोल्व कीजिएगा कि क्या बनेगा, दोनों के लिए प्रोडक्ट बता दीजिएगा मेरे को। अगर मेरे पास ये सी एच, यहाँ सी एच थ्री है, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हो गई ना इधर, ठीक है, और साथ में सी एच टू सी एच थ्री, और इसके लिए दो स्टेप से तुम रिएक्शन करवा रहे हो, दो अलग अलग, दो अलग अलग, एक साइड तो तुम क्या करवा रहे हो क्लोरीन के साथ करवा रहे हो सी एल टू एच म्यू की प्रेजेंस में, एक जगह तुम क्या करवा रहे हो बी आर टू एच म्यू की प्रेजेंस में, इधर ए बनेगा इधर बी बनेगा, मेजर बताना है आपको कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर बताना है। कल वाले जो हमने डिस्कस किया था उसी की बेस पे क्वेश्चन है ये, अगर आपने कल वाला सेशन देखा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे, जल्दी से आंसर करेंगे सभी फटाफट से, क्या रहेगा कल वाला सेशन जिसने देखा होगा वो पहले एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कि दोनों में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट से क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। हाँ जी, जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा वो आसानी से आंसर कर देगा इस क्वेश्चन का। बोलिए क्या रहेगा, कैसे आंसर करिएगा, जल्दी से बोलिएगा। सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री, क्लोरीन एच म्यू के साथ में ए बना रहा है, ब्रोमीन एच म्यू के साथ में ए और बी, फाइनल प्रोडक्ट बताना है आपको क्या बनेगा, जल्दी से मेजर प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले मैं अगर कल वाली बात करूं तो कल मैंने आपको कुछ बताया था कि आपको पहले तो आपको क्लोरीन के केस में क्या देखना है, मैंने हर बार आपको बोला था अगर आपको याद हो तो सेकंड डिग्री क्या बनेगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी थी, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री और फर्स्ट डिग्री, ब्रोमीन के केस में थ्री डिग्री टू डिग्री एंड वन डिग्री, क्लोरीन के केस में टू डिग्री ऑलवेज डोमिनेट करेगा, वन डिग्री एंड थ्री डिग्री के केस में हम यील्ड चेक कर लेते थे, उनका थियोरटिकल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से हमें मिला है उसी के बेस पे क्या करते थे, सोल्व करते थे। बोलो भाई यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या, ये कल वाला सेशन अब तुमने देखा है नहीं देखा कुछ बता भी नहीं रहे हो तुम कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मामला क्या चल रहा है कि मामला चल क्या रहा है। मेजर बनेगा सर, सर बी आर के केस में थ्री डिग्री मेजर बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोले हो, क्योंकि कल हमने देखा था बी आर के केस में थ्री डिग्री मेजर बनेगा और क्लोरीन के केस में क्या बना दोगे, टू डिग्री वाले को क्या बनाओगे, मेजर बनाओगे। यहाँ तक की बात समझ आती है, तो मैं अगर बी ए वाले का प्रोडक्ट बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनाऊंगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एंड सी एच थ्री, और इधर मेरे पास क्या रहेगा, एक तो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन की जगह हम क्या लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे, ये प्रोडक्ट ए बनेगा। बी की बात करेंगे तो बी क्या बनेगा, बी की बात करेंगे, देखो बी की बात करोगे तो आपके पास सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच टू और साथ में सी एच थ्री, और यहाँ अपने पास क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। इसको कल मैंने चेक करना भी आपको बताया था, क्या बताया था, चेक करना भी बताया था ब्रोमीन के केस में, ये वाला देख लीजिए, ये वाला यील्ड आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था 1:3:2 1.3.5, चेक कर सकते हो आप टू डिग्री वाला कैसे जीतता है, थ्री डिग्री वाला कैसे जीतता है, क्लियर है ये वाली बात। अब देखिए अगर आप इसके अंदर चेक भी करना चाहो, इसके अंदर अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, वन डिग्री वाले कितने हैं टोटल, जो जिनका प्रोडक्ट जो वन डिग्री से बनेगा वो कितना है, आप कहोगे तीन हाइड्रोजन ये और तीन हाइड्रोजन ये दोनों क्या होंगे, एक ही जैसे होंगे, छः के छः हाइड्रोजन के, आप कितने हाइड्रोजन कितने जैसे हैं, ये छः हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, एक जैसे हैं, यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा आप उनको क्या होगा, 1:6 बनेगा। दूसरा आपके पास देखो एक अलग और है थ्री डिग्री का जिसका तीन है, एक अलग, इनको सबको नौ नहीं काउंट करना है, ये बड़ी गलती मत कर देना कि ये तीन एक जैसे, ये तीन एक जैसे, ये एक तीन एक, ये तीनों अलग प्रोटोन है, ये तीनों अलग अलग, ये छह एक जैसे हैं, तो यहां से क्या आएगा, 1:3 आएगा, वन डिग्री वालों का केस। टू डिग्री वाले का केस देखोगे तो क्या कहोगे, टू डिग्री वाले के केस में टोटल हाइड्रोजन दो होंगे, टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे ना, दो होंगे, और मल्टीप्लाई कितने से करवाया था, 3.8 से करवाया था, कल याद हो तो आपको 3.8 से, 3.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 3.5 का आ जाएगा अपने पास 7, और 3 ऊपर है तो 7.6 हो जाएगा, ठीक है, और 3 डिग्री का कोई है नहीं, 3 डिग्री का एक ही है, पी 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट, अगर 3 डिग्री के हाइड्रोजन से बनेगा तो 1:5 क्या कर दोगे, 5 कर दोगे, और टोटल कितना आएगा, 5 आएगा, तो मेजर कौन सा बनेगा, पी 2 वाला बनेगा, और वही हमने बनाया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो जल्दी सबको, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुन्ना, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या, जल्दी से फटाफट से बोल दो एक बार सभी। हाँ जी बोलिएगा,
ये तो बात हुई मेजर प्रोडक्ट्स की। कल वाला क्वेश्चन एक रिपीट करवा देता हूँ, देख लो दोबारा। ये थे अपने पास थ्योरेटिकल यील्ड, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करते हैं ब्रोमीन के केस में 1:8.2:16:16। तो हमेशा ही क्या बनेगा, कितना ही देखिए 1600 को तो पिछाड़ नहीं पाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना ही ज्यादा हो कम हो, तो ब्रोमीन वाले के केस में तो 3°, 2°, 1° कंफर्म हो जाता है। इसके केस में आपको क्या करना होता था, देखना होता था 3.85 और 1, ये था अपने पास। अब आपको प्रोटॉन देखना है, प्रोटॉन के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा जितना यील्ड ज्यादा आएगा उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, आंसर कर देना है। क्लियर हुई भाई यहां तक की बात, जल्दी से बोलो। अब चलते हैं पॉसिबल प्रोडक्ट्स की तरफ, कि ये तो था सर मामला मेजर प्रोडक्ट्स का। अगर हमें पूछ लिया जाए पॉसिबल प्रोडक्ट्स, क्या पूछेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितना बनेगा, तो इसके लिए आंसर कीजिएगा पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन दे देता हूं CH3, काफी क्वेश्चन करने हैं अभी पॉसिबल प्रोडक्ट के, क्लोरीन HMU की प्रेजेंस में पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, सारे अपनी अपनी कॉपी में बना के देखेंगे भाई पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन आपके पास में 1, B है 2, C है 3 और D है 4, क्या बनेगा पॉसिबल प्रोडक्ट, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहे ताकि हम अगला क्वेश्चन पे फटाफट से पहुंचते चले जाए। पॉसिबल प्रोडक्ट के लिए बताइएगा क्या करेंगे। नोटिफिकेशन गया है कि आज क्लास का, एक बार बताना मेरे को, ताकि बाद में मैं शेयर कर दूं क्लास को, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बोलो भाई जल्दी से फटाफट से, करो भाई आंसर फटाफट से। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, बहुत से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग, बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपके बन जाए क्वेश्चंस के माध्यम से। आंसर कीजिए फटाफट से, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। नो नोटिफिकेशन नहीं गया क्या आज, बस ये नोटिफिकेशन नहीं जाता ना, इसी वजह से क्लास में बच्चे फिर आ नहीं पाते, पता नहीं चलता बच्चों को। शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर ताकि सबके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है, चलिएगा। अब देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना पॉसिबल प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले आप ना जितने हाइड्रोजन हैं उतने प्रोडक्ट बना दो, जितने टाइप के हाइड्रोजन है, मैं सबका प्रोडक्ट बनाऊं। अगर देखो यहाँ CH2, CH2, CH3, अभी आगे आएगा, अगर कायरल सेंटर हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, जैसे एक Cl ये वाला प्रोडक्ट बना दिया मैंने, अगर इसकी जगह Cl लगा दिया, दूसरा मेरे पास क्या है CH3, CH, Cl और CH3, एक ये बना दिया, और एक प्रोडक्ट मैंने क्या बना दिया, ये वाला बना दिया CH3, CH2 एंड CH2, Cl। अब मुझको बताओ, पहले तो आप जितने आपके पास प्रोटोन होना ऐसे देख लिया करो, जितने टाइप के प्रोटोन है भाई, एक CH3 के साथ तीन प्रोटोन, एक का तीन कार्बन है, तीनों के साथ प्रोटोन है, उनको चेंज करके फिर देख लो जो एक जैसे प्रोडक्ट है उनको, एक को काट दो भाई, ये और ये तो सेम ही प्रोडक्ट है, तो इसको काट देता हूँ, टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट दो ही बनेगा, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितना बनेगा, दो ही बनेगा। मेजर और माइनर कैसे चेक करेंगे, तरीका मैंने बता दिया है, थ्योरेटिकल यील्ड जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल जो यील्ड आती है उसके साथ क्या कर दोगे, प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां तक बोलो किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से, इसके लिए किसी को कोई डाउट है तो बोलो फटाफट से। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर करेगा तभी पता चलेगा कितना समझ में आ रहा है तुमको। CH3, CH, CH3, CH2, CH3, और यहां भी क्या किया है, Cl2 के साथ HMU की रिएक्शन करवा दी। पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा आपसे, पॉसिबल प्रोडक्ट A 4, B 6, C 8, D 10, पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए कितने बनेंगे। इस क्वेश्चन के लिए पॉसिबल प्रोडक्ट कितना बनेगा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी, जल्दी जल्दी से आंसर करो फटाफट से, कितना पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितना पॉसिबल प्रोडक्ट होगा इसके लिए, कोई आंसर करेगा क्या इस क्वेश्चन का, पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितना होगा। क्या रहा आंसर है, आंसर आ रहा है ए, पम्मी वर्मा का आ रहा है ए कि चार बनेगा सर। बाकी लोग बोलना चाहेंगे कोई, बाकी मुन्ना लोग बोलना चाहेंगे कि ए बनेगा, कितना बनेगा, ए आएगा, चार आएगा, दो आएगा, क्या आएगा, जल्दी आंसर करो फटाफट से, क्या बनेगा। देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप जितने प्रोडक्ट है वो बना लो, सबसे पहले तो क्या कर लो कि जितने प्रोडक्ट है वो बना लो। अभी अगर मैं देखूं तो इन प्रोटोन की वजह से
सबसे पहले मैं आपके सामने प्रोडक्ट बनाऊं तो इस हाइड्रोजन को निकाल के बनाता हूं पहले, तो इस वाले को, तो मेरे पास क्या बनेगा, सी एस थ्री, सी सी एस थ्री, इधर मेरे पास हाइड्रोजन, इधर में सॉरी इसको हाइड्रोजन रख लेता हूँ, साइड वाले से स्टार्ट करता हूँ, इधर सी एस, सी एस टू, सी एल, एक तो ये वाला बनेगा, बाकी सारा सेम, ठीक है। एक तो यहाँ वाला बना दिया मैंने, दूसरा इस बीच वाले से बनाऊंगा आपकी बार, सी एस थ्री, सी एस थ्री, सी एल, सी एच टू, सी एस थ्री, तीसरा और क्या बना सकता हूँ, तीसरा ये भी बना सकता हूँ कि सर इधर वाले से निकाल दूँ दूसरा जो सी एस टू ग्रुप है वहाँ से, सी एस थ्री, सी एस थ्री एच, सी एच टू, सी एच सी एल, सी एस थ्री, और लास्ट प्रोडक्ट तुम्हारे पास क्या बन सकता है, सी एस थ्री, सी सी एस थ्री, हाइड्रोजन। गलत होगा आंसर, चार नहीं आएगा, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होगा ये क्वेश्चन, जितना आसान लग रहा है ना उतना क्वेश्चन आसान है नहीं। देखने में ये चार प्रोडक्ट तुम्हें लग रहे होंगे कि तुम्हारे पास चार प्रोडक्ट ये वाले बनेंगे, ठीक है भाई। जो जो लोग चार आंसर कर रहे हैं सबका ही गलत है, जितने लोग चार आंसर कर रहे हैं उन सबका ही क्या होगा, गलत होगा। जो जो मुन्ना लोग चार आंसर कर रहे हैं प्रोडक्ट में वो सबका ही क्या होगा, गलत आंसर होगा, और चार गलत कैसे होगा वो जान लो, चार आंसर गलत कैसे होगा भाई। जब हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया तो उसमें तुमने क्या किया, ये वाले तीन प्रोटोन और ये वाले तीन प्रोटोन एक जैसे थे, तो एक प्रोडक्ट तो उन तीनों में से किसी हाइड्रोजन को, ये मोनो हैलोजिनेशन की बात चल रही है सारी, सिर्फ किसकी बात चल रही है, मोनो हैलोजिनेशन की। तो इसमें तुमने जब किया तो यहाँ कोई काइरल सेंटर बना क्या, बोलो रे कोई काइरल सेंटर बना क्या, इस क्वेश्चन में कोई काइरल सेंटर बना था क्या? काइरल सेंटर का मतलब है कि ऐसा कार्बन जिसके ऊपर चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। वे कार्बन sp3 है और उस sp3 कार्बन के ऊपर क्या है, सारे के सारे ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, सारे के सारे ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो मुन्ना, कहीं काइरल सेंटर बन रहा है क्या, कहीं काइरल सेंटर बन रहा है क्या, बोलो जल्दी से, काइरल सेंटर बन रहा है सर, कहाँ कहाँ बन रहा है। देखो ये वाला आपको एक काइरल सेंटर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आपको एक क्या दिखाई दे रहा होगा, काइरल सेंटर दिखाई दे रहा होगा सबको। अब जहां काइरल सेंटर बन जाएगा तो वहां पॉसिबल प्रोडक्ट्स का अमाउंट, नंबर भी तो बढ़ जाएगा ना। एक काइरल सेंटर तो यहाँ है सर, ये नजर आ रहा है, इसमें कई काइरल सेंटर है क्या मुन्ना, दूसरे वाले में? तुम कहोगे सर जी सर है सर, कहाँ है, ये वाला काइरल सेंटर दिखाई दे रहा होगा तुमको, ये वाला प्रोटोन क्या दिखाई दे रहा होगा, एज ए काइरल सेंटर तुमको दिखाई दे रहा होगा। जहां देखो सबसे पहला पहला तरीका क्या है, जितने टाइप के प्रोटोन तुमको लग रहे हैं, जहां जहां प्रोटोन है उन कार्बन पे क्या कर लो, हाइड्रोजन लगा लो, हैलोजन लगा लो, हैलोजन लगाने के बाद तुमको ऐसा लगे कि ये सेम है उनको हटा दो, हटाने के बाद तुम देख लो काइरल सेंटर है क्या, यहाँ काइरल सेंटर है क्या मुन्ना, नहीं है, क्योंकि ये सी एस थ्री ग्रुप क्या है, सेम है। यहाँ क्या है, इस कार्बन पे भी कोई काइरल सेंटर नहीं है, मतलब मेरे पास एक काइरल सेंटर यहाँ है और एक काइरल सेंटर यहाँ है। जितना काइरल सेंटर होता है उसमें तुम टू की पावर क्या कर देते हो, टू की पावर एन कर देते हो ना, एन इज द नंबर ऑफ क्या बनता है, एन इज द नंबर ऑफ काइरल सेंटर। तो यहाँ टू की पावर वन करोगे तो यहाँ से टू आएंगे, यहां से भी टू की पावर टू करोगे तो यहाँ टू की पावर वन करोगे तो क्या आएगा, टू आएगा। तो दो यहां से चार, एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल आंसर कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। प्रोडक्ट बनाने के बाद काइरल सेंटर देखना, काइरल सेंटर देखने के बाद देखो अबो बिलो हो सकता है ना भाई, जहां काइरल सेंटर बन गया तो हो सकता है क्लोरिन, तो अबो द प्लेन हो सकता है बिलो द प्लेन हो, दो अलग अलग बन जाएंगे ना आइसोमर्स। क्लियर हुआ टू की पावर एन वाला मामला, बोलो यार जल्दी से, सिंपल सा था क्वेश्चन, ये पॉसिबल प्रोडक्ट का मामला है, किसका मामला है, ये पॉसिबल प्रोडक्ट का मामला। सबको क्लियर हुआ भी, पीके, पम्मी, रबीना, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोलो फटाफट से। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देख लो पहले क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में तुमने सिर्फ क्या किया भाई, सारे प्रोटोन की जगह हाइड्रोजन को लगा दिया, यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया, फिर तुमने पाया कि यहां और यहां से जो प्रोडक्ट बन रहा था वो सेम बन रहा था, तो एक को हटा दिया। उसके बाद तुमने देखा कि सिंपल दो प्रोडक्ट थे और दो आंसर कर दिया, इसमें कोई काइरल सेंटर नहीं बना था, कोई काइरल सेंटर है नहीं बना था, यहाँ काइरल सेंटर बने हैं। अगला क्वेश्चन किया जाए, अब की बार आंसर सही करोगे सारे, जल्दी से बोलो क्या अब की बार आंसर सही कर दोगे सारे के सारे मुन्ना लोग, चलो कर दोगे तो पहला क्वेश्चन लगाओ। अब तुमको तरीका सारा बता दिया, अब क्वेश्चन तुमको करना है, पहला क्वेश्चन लगा लो। अब बताना कितना बनेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, इसका आंसर कर दो सारे फटाफट से कि पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितना बनेगा। ज-
जल्दी से बोलो फटाफट से। हाँ ओके क्लियर है, देन आंसर करें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से, फटाफट से आंसर कर दो इसका। कितना बनेगा पॉसिबल प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट? कुछ नहीं करना, तरीका बता दिया तुमको। पहले क्या करना है, डिफरेंट हाइड्रोजन देख के हाइड्रोजन उसकी क्लोरीन उसकी जगह लगा दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना है कि सेम कितने हैं, सब्सटीट्यूशन कर दो। पहले डिफरेंट हाइड्रोजन देखो उसकी जगह सब्सटीट्यूट कर दो, उसके बाद क्या देख लो, स्टीरियो सेंटर देख लो। जल्दी से बोलो फटाफट से। दो आ रहा है सबका आंसर, कितना आ रहा है सबका ही दो आंसर आ रहा है, मतलब सबको तरीका समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले जो बाद में जुड़े हैं वो देख लो एक बार, इधर जितने प्रोटोन है सबकी जगह तुम क्या लगाओगे, पहले तो हाइड्रोजन को लगाना चाहोगे। तुम सोचोगे ये कार्बन है, इस कार्बन पे ये CH3 है, यहां मैंने क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दिया। ठीक है, ये वाला मामला तुम्हारे पास AGTs रहेगा। ठीक है, दूसरा तीन होंगे सर, तीन होंगे सर, तीन कैसे होंगे मुन्ना, तीन कैसे होंगे मुन्ना, तीन कैसे हो जाएंगे मुन्ना? अब देखो ये सारे के सारे हाइड्रोजन एक ही जैसा प्रोडक्ट देंगे, ये सारे के सारे हाइड्रोजन क्या देंगे, एक ही जैसा प्रोडक्ट देंगे। तो पहली बात तो ये वाला एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लास्ट वाले केस में तुम्हारे पास स्टीरियो सेंटर बन रहा था कहीं, मतलब एक आयरल कार्बन बन रहा था, उसकी वजह से 2n करके तुम स्टीरियो आइसोमर्स निकाल रहे थे। मतलब उसकी वजह से कितना और बन सकता था वो निकाल रहे थे, जहां जितने कायरल सेंटर बन रहे थे 2 कर रहे थे कायरल सेंटर को। यहां ऐसा कोई केस नहीं है, यहां सिंपल क्या आंसर हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला दो आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, तीन नहीं होंगे पम्मी वर्मा जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, इसका आंसर कीजिएगा फटाफट से, इसका आंसर बड़े सोच समझ के देना है तुमको, इसका इसका आंसर करना है। और आपको बताना है Cl2 और HMU के साथ पॉसिबल प्रोडक्ट कितना होगा, ए 8 12 16 D20 कितना होगा, जल्दी आंसर कर देंगे पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितना होगा। जल्दी जल्दी से बोलो फटाफट से। बोलो यस सर, नोट कायरल दो ही होंगे, यस बिल्कुल दो होंगे। इसका आंसर करो फटाफट से, जितने लोग देख रहे हैं इसका आंसर करो फटाफट से, कितना बनेगा पॉसिबल प्रोडक्ट कितना बनेगा, बोलो मुन्ना बोलो। आठ आ रहा है सुब्रता माजी का, आठ आ रहा है, बाकी लोग बोलो 8 12 16 20 कितना बनेगा, 8 12 16 20 कितना बनेगा, बोलो बोलो बाकी भी बोलो भाई जल्दी जल्दी से फटाफट से, फटाफट से बोल दो सारे मुन्ना लोग। आठ आ रहा है, आठ आ रहा है, सबका ये आठ आ रहा है। और भी कोई देना चाहेगा आंसर आठ के अलावा, आठ के अलावा कोई बोलना चाहेगा क्या? देखो मुन्ना आठ नहीं आएगा, दोबारा चेक करो एक बार, आठ नहीं आएगा, आठ नहीं आएगा मुन्ना, एक बार दोबारा चेक करो सारे। देखो जब तक मैं भी बना रहा हूँ साथ के साथ, तुम अपना दोबारा एक बार क्रॉस चेक करके दोबारा आंसर करो कि कितना बन रहा है। देखो पहले तो मेरे पास हाइड्रोजन देख लेता हूँ मैं कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ। देखो यहाँ हाइड्रोजन होगा इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन होगा इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ भी हाइड्रोजन है इसको बदल सकता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन है इसको भी बदल सकते हैं, यहाँ जो हाइड्रोजन है इसको बदल सकता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन है इसको बदल सकता हूँ। ये जितने जितने मैंने रेड डॉट लगाए हैं इन सब हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ये वाले हाइड्रोजन जितने मैंने लगाए हैं। आ रहा है बात समझ में ये वाला सबको? क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, ये और ये तो सेम ही होगा, ये और ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, सेम होगा। कौन सा, यहाँ हाइड्रोजन जो है और यहाँ हाइड्रोजन जो है, इसलिए मैंने एक को ही काउंट किया है। यहाँ तक की बात तो पहले बोलो सबको समझ में आई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको देखने के कितने टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के जो है उनको हमको क्या करना है, सब्सटीट्यूशन करना है। सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमको क्या देखना है,
कि वहां कायरल सेंटर बन रहा है या नहीं बन रहा। कायरल सेंटर बन रहा है तो उन सबको क्या कर लेंगे, 2 की पावर n करके और आंसर कर देंगे। अब लो चलते हैं एक एक को देखते हैं सर क्या बनेगा। पहले वाले की जगह देखो मैंने ऐसा बनाया, ये वाला यहाँ, ये और ये वाला ग्रुप यहाँ अपने पास। जब यहाँ तुमने सीएल लगाया, यहाँ जब तुमने सील लगाया तो यहाँ तुम्हारे पास देखो ये वाला ग्रुप अलग हो गया। यहाँ ये वाला कायरल सेंटर बन चुका है, सीएल लगने के बाद ये कायरल सेंटर बन चुका है, ये वाला कार्बन क्या बन चुका है, कायरल सेंटर बन चुका है। मुन्ना बोलो यार जल्दी से फटाफट से। अब ये वाला ग्रुप कायरल सेंटर, देखो इस ग्रुप के ऊपर पहले जब तुम देख रहे थे तो यहाँ ये वाला ग्रुप सेम थे दोनों, CH3 थे पहले, ये वाले पहले क्या थे दोनों CH3 ग्रुप थे। तो अब क्या हो गया, एक साइड CH2Cl हो गया, तो एक तो ये कायरल सेंटर बन गया, इस कार्बन के लिए भी कायरल एक और कायरल सेंटर बन गया है। देखो यहाँ तो ये तो कायरल सेंटर बना ही बना है, ये वाला भी एक कायरल सेंटर बन चुका है। अगर समझ में आ रहा हो तो इधर जो ग्रुप है वो अलग है, ये वाला जो ग्रुप है वो अलग है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और बाकी ये वाला पूरा ग्रुप भी क्या हो गया, एक अलग ग्रुप हो गया। तो पहले प्रोडक्ट से, पहले जब मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया है इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को, तो मेरे पास दो कायरल सेंटर बने हैं। यहाँ क्या बने हैं, दो कायरल सेंटर बने हैं। क्लियर हुई बात, समझो, एक कायरल नहीं दो कायरल बने हैं, दो कायरल सेंटर। थोड़ा सा ध्यान से देखो पम्मी, कि यहाँ हमारे पास क्या है, CH2CH3 ग्रुप है, इधर मेरे पास क्या है, CH3 ग्रुप है, और ये वाला तुम्हारे पास फिर से एक पूरा डिफरेंट ग्रुप हो गया ना। पहले देखो एक भी नहीं था, जब ये CH3CH3 थे तो एक भी कायरल नहीं था, जैसे ही यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहाँ कितना हो गया है, दो कायरल सेंटर बन गया है। और दो कायरल सेंटर बनने ही पहले ही प्रोडक्ट से मुझे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आप बोलोगे सर 2 की पावर 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 करते ही 4 हो जाएगा, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन से ही तुम्हें कितना मिल गया, टोटल 4 प्रोडक्ट मिल गया। और मुझे करने कितने थे टोटल काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मुझे 6 तो सब्स्टिट्यूशन करने थे पहले, 6 तो करने थे। अब मैं दूसरे को कर लेता हूं, दूसरा कौन सा कर लेता हूं, ये वाला कर लेता हूं, दो नंबर वाले को सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्या बनेगा। देखो दो वाले को सब्स्टिट्यूशन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारे पास, बड़े बड़े ध्यान से करना होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बस और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। और ये मोनो हैलोजिनेशन के केस होते हैं, ठीक है, डबल कर देंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। लो भाई यहां लगा दिया, अब क्या बनेगा, देखो कायरल सेंटर बन रहा है क्या कुछ, यहां बोलो यार, यहां कायरल सेंटर बन रहा है क्या कुछ, यहां कोई कायरल सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा, जल्दी से बोलो फटाफट से, यहां करने से कोई कायरल सेंटर बन गया। अब एक कायरल सेंटर बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, एक ही कायरल सेंटर बनेगा, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये वाला, सिर्फ ये वाला क्या बनेगा, कायरल सेंटर बनेगा, क्योंकि यहाँ तो CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, बाकी कहीं नहीं बनेगा, सिर्फ ये वाली पोजीशन क्या बन जाएगी, कायरल सेंटर बन जाएगी। कौन सी पोजीशन, ये वाली पोजीशन आपके लिए, जो ये वाली पोजीशन है ये क्या बन जाएगी, कायरल सेंटर बन जाएगी। तो यहाँ से भी तुम्हारे पास 2 की पावर 1 करके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। तीसरे की जगह कर लेते हैं सर, थर्ड पोजीशन पे। अब देखो इस पोजीशन पे करूंगा, अब जो कायरल सेंटर बार बार बन रहा था उसी पोजीशन पे क्या कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन करवा देता हूँ, वहां के हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। मिथाइल तो होगा ही होगा, एक सीएल और आ जाएगा सर यहाँ। अब बताओ क्या होगा, कायरल सेंटर बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा सर, और तो कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही जगह कायरल सेंटर बनेगा, और वो कौन सा बनेगा, यही वाला सेंटर क्या होगा, कायरल सेंटर होगा सर। तो यहाँ से भी 2 की पावर 1 करके कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा। बोलो यार कितना आ गया टोटल, 4, 2, 6 और 2, 8, तो तुम्हारे इतने से ही बन गए, देख लो अभी 8 तो तुम्हारा इतने से ही आंसर आ गया है। यस सर टोटल 2 है, यस सर क्लियर है, ऑल क्लियर। बोलो भाई 8 तो तुम्हारे यहीं से बन गए, अभी तक जो तुमने आंसर कर रहे थे 8 है, वो तो 3 को ही सब्स्टिट्यूशन करने से बन गए हैं, 3 को सब्स्टिट्यूट करने से ही क्या बन गया मेरे पास, 8 बन गया है। बोलो यार जल्दी से फटाफट से बोलो फास्ट। और ऐसे ही तुम अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ऐसे ही उस साइड से चलोगे तो भी 8 बनेंगे, उस साइड दूसरी साइड से चलोगे तो भी तुम्हारे पास 8 बनेंगे। अब मैं अगला कर देता हूं इसको रिप्लेस, अब इस वाले को हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना ये वाला क्लोरीन, यहां क्लोरीन लगा दिया, इस क्लोरीन लगाने से फिर से यहां क्या बन गया, कायरल सेंटर, ये वाला कायरल सेंटर बन गया। अब फिर क्या आएगा, 2 की पावर 1 कितना आएगा, 2 आएगा। बोलो यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको, कितने बना दिए, 4 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, 2 पोजीशन अभी भी मेरे पास बची हुई है, एक पांच वाली और एक छह वाली। लो भाई इस बार कौन सी जगह पे कर दिया मैंने, यहां क्या लगा दिया, सीएल लगा दिया। इस सीएल लगाने से देखो एक कायरल सेंटर फिर से बन गया तुम्हारे पास, कायरल सेंटर, ये वाला कायरल सेंटर बन गया, जहां लगाया ना क्लोरीन वही कायरल सेंटर बन गया। एक तो ये वाला कायरल सेंटर बन गया है, एक ये वाला भी अब कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर यहाँ सब्स्टिट्यूशन, 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूशन करने से 2 कायरल सेंटर बन रहा है, तो 2 की पावर 2 करोगे तो 4 यहाँ से आ जाएगा। बोलो यार अब एक बच गया 6 नंबर वाला,
कौन सा बच गया, सिक्स नंबर वाला अपने पास बच गया। सिक्स वाले को करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे ऐसे यहां अपने पास ये ग्रुप लगा हुआ है और सिक्स वाले पोजिशन पे तुमने क्या लगा दिया, सीएल लगा दिया। तो अब कौन सा कायरल सेंटर बनेगा, सिर्फ ये वाला, जहां बीच वाला है ना वो कायरल सेंटर बन जाएगा। कौन सा, ये वाला मैथ, ये वाला सेंटर क्या बन जाएगा, कायरल सेंटर बन जाएगा, 2 की पावर 1। ऐड कर लो सबको, सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 पहले से, 4 यहां से, 2 4 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 कितना बन गया, 8 और 4 2 6 कम रह गया क्या कोई, एक ये वाला आ गया, 2 2 और 4 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 और 4 14 और 14 और 2 16 16 बन रहे हैं कंप्लीट। कितना बन रहा है, 16 बन रहा है। बोलो भाई, एक 2 और आएगा, 2 2 3 4 बार है ना। बोलो भाई क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, अभी पहले तो आंसर करो कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है। मेथड समझ आना चाहिए, जरूरी तो मेथड समझ आना जरूरी है। मेथड समझ में आया कि नहीं आया कि मेथड कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड पे। क्या बताया, मेथड सुन लो, मैंने बताया कि सबसे पहले तुमको क्या कर लेना है, जितने हाइड्रोजन है जहां जहां तुमको हाइड्रोजन दिखता है पहले हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन को चेक करके उन हाइड्रोजन को निकाल दो जो तुम्हें लग रहे हो कि ये तो एक ही जैसा प्रोडक्ट देगा। जैसे कि यहाँ का हाइड्रोजन देखता हूं तो तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों तो एक ही जैसा प्रोडक्ट देगा, तो यहां से एक को काउंट कर लेंगे, दूसरे को हटा देंगे, क्लियर है। उसके बाद जहां भी सब्स्टिट्यूशन करते हो, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कायरल सेंटर चेक करना है। ये वाली कॉमन मिस्टेक होती है सबसे ज्यादा, जहां जिस सेंटर पे हम क्लोरीन लगाएंगे ना वो तो हमारे ध्यान में रहेगा, उसके लगने से पूरे मॉलिक्यूल में कहीं और भी कायरल सेंटर बना है या नहीं बना, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे पहले ही ऑप्शन में यहां भी कायरल सेंटर बना था, क्लोरीन को लगाया यहां गया था, पूरे ध्यान से करना पड़ेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, अभी देखो अगर यहां तुमने लगाया है तो यहां वाला, ये वाला तुम मिस कर देते हो, बहुत सा स्टूडेंट ये मिस करता है। ये वाला तो ध्यान में आता है, जिस क्लोरीन को जहां सब्स्टिट्यूट करेंगे उस सेंटर को तो ध्यान में रख लिया जाता है, बट ये वाला चूक जाओगे यहां। सेम जैसे यहां लगाया था क्लोरीन को, यहां लगाया कायरल सेंटर यहां बना है, क्लियर हुआ सबको ये वाला फंडा। बोलो भाई जल्दी से, अब कर दोगे आंसर, अब कर दोगे अगले क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, अब सारे कर देना इस क्वेश्चन का आंसर, सभी मुन्ना लोग कर देगा एकदम से फटाफट से। अगर इसका आंसर कर दिया तो तुम ये मानना तुमको समझ में आ गया, मैं ये समझ लूंगा कि तुमको समझ में आ गया है। ए बना दिया 4, बी बना दिया 6, सी बना दिया 8, डी बना दिया 10। बनाओ भाई जल्दी जल्दी से, पॉसिबल प्रोडक्ट ही बताना है इसके अंदर भी, पॉसिबल प्रोडक्ट ही बताना है तुमको, जल्दी से आंसर करो फटाफट से सभी फास्ट। बोलो 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 जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए। किसी का आंसर नहीं आया मुन्ना अभी तक, तो अभी तक तो किसी का भी आंसर नहीं आया है। टाइम ले सकते हो बट आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि अब भी गलत करोगे तो फिर ये इसमें क्या, आपको इसमें क्या ही बताऊंगा मैं, इसमें चीजें तुमको बता दी। पहले क्या चेक करो, हाइड्रोजन चेक करो, सबसे पहले क्या चेक करो, पहले हाइड्रोजन देखो, कॉमन हाइड्रोजन है जो एक जैसा प्रोडक्ट देते हैं उनको हटा दो, फिर क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो हाइड्रोजन को हटाकर। सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी बोलना चाहेंगे क्या सी आंसर किस किस का आ रहा है इसके अलावा, सी आंसर किस किस का हो सकता है इसके अलावा, आंसर सी किस किस का आ सकता है इसके अलावा, सी आंसर के अलावा भी कोई बोलना चाहेगा क्या। देखो भाई
सिंपल है बिल्कुल। पहले तो हाइड्रोजन को चेक करेंगे सर, कितने हाइड्रोजन है, कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहले तो इसी हाइड्रोजन को पकड़ लेता हूँ, ये एक टाइप का हाइड्रोजन है, यही बना देता हूँ पहले तो ये वाला। इस हाइड्रोजन पे यहाँ क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन करने से, इन हाइड्रोजन का यहाँ क्लोरीन लगाने से, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इसके ऊपर क्लोरीन लगा दिया, ये वाला, इस क्लोरीन को यहाँ इस सेंटर पे। क्लोरीन के लगाने से कहीं कोई कायरल सेंटर बना है? नहीं बना सर, बिल्कुल भी नहीं बना। तो कायरल सेंटर नहीं बना तो इसका तो एक होगा। उसके बाद तुम्हें हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ तो ये थ्री मेंबर का रिंग, तो एच टी जी रखोगे, इसमें तो कोई चेंज बदलाव नहीं करोगे। इस बार क्या करना है, क्लोरीन को कहाँ लगा देना है मुन्ना, यहाँ लगा दोगे क्लोरीन को, यहाँ क्लोरीन को लगा दोगे। इस क्लोरीन के यहाँ लगते ही इस सेंटर पे क्या जनरेट हो जाएगा, स्टीरियो सेंटर बन जाएगा, ये मतलब यहाँ कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर क्या बन जाएगा, कायरल सेंटर। क्योंकि चारों ग्रुप आपको क्या देखने को मिलेंगे, डिफरेंट देखने को मिलेंगे। एक साइड ये वाला ग्रुप होगा, एक साइड ये रिंग होगा, एक क्लोरीन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ टू की पावर क्या कर दोगे, वन कर दोगे, टोटल कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा यहाँ से, दूसरे को रिप्लेस करने से। अब इसका, अब इस सेंटर की बारी आ गई है, इस सेंटर को रिप्लेस करना है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस करवाएंगे। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये हमारे पास सेम रहेगा, सिर्फ क्या लगाना है तुमको, क्लोरीन लगा दो यहाँ सर, यहाँ लगा देते हैं क्लोरीन, ये लो मुन्ना। यहाँ क्लोरीन लगाने से क्या हुआ है, कोई कायरल सेंटर बना है क्या, नहीं बना, जल्दी से यस और नो में जवाब देंगे, क्या कायरल सेंटर बना है क्या यहाँ। करेक्ट और नोट सर, बिल्कुल करेक्ट है आपका, एकदम से करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। यहाँ कायरल सेंटर बना है कि नहीं बना, नहीं बना सर, कोई भी कायरल सेंटर नहीं बना। क्योंकि इस सेंटर पे अगर बात करूँ, इधर सी एस टू सी एस थ्री ग्रुप है, इधर चलूंगा तो भी सेम ग्रुप है, इधर चलूंगा तो भी सेम ग्रुप है, तो यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं है। मतलब यहाँ से भी मेरे को एक ही मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, एक ही मिलने वाला है। टोटल चार मिल चुके हैं तुमको, टोटल कितना मिल चुका है, चार मिल चुका है टोटल अभी तक। अब बात करते हैं लास्ट, लास्ट कौन सा हो सकता है, देखो लास्ट पॉसिबिलिटी, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, बट ये सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है, चारों के चारों आप कहोगे एक ही जैसा है, प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा इनको, किसी एक को रिप्लेस कर लो, ये दो जैसा प्रोडक्ट देंगे वैसा दो ये वाले देंगे। क्लियर है मुन्ना ये वाली बात, तो इनमें से किसी एक को रिप्लेस करवा देते हैं सब, किसी एक को क्या करवा देते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं। तो ये वाला बना देते हैं कुछ ऐसा, ऐसा और इसको ऐसा। और यहाँ जैसे ही तुमने सीएल लगाया तो तुमने एक चीज पाई कि जैसे जैसे यहाँ सीएल लगा, सीएल लगते ही क्या हुआ, एक तो ये कायरल सेंटर बन गया है। क्योंकि यहाँ देखो ये वाला ग्रुप पहले सेम थे दोनों, इधर भी जा रहा था सेम था, इधर भी जा रहा सेम था, अब ये ग्रुप सेम नहीं रहा है, एक साइड सीएल आ चुका है, एक साइड दोनों हाइड्रोजन है। अब दोनों तरफ जाओगे तो अलग अलग है, एक साइड दो हाइड्रोजन है, एक साइड ये, और ये खुद अपना एक क्या बनाया, कायरल सेंटर बनाया है। तो टू की पावर टू यहाँ करोगे तो कितना आएगा, फोर। टोटल क्या आ जाएगा, वन प्लस टू प्लस वन प्लस फोर को टोटल कितना आएगा, आठ पॉसिबल प्रोडक्ट। बोलो भाई साहब कितने लोगों को क्लियर हो गई ये वाली बात, आठ आंसर आया था और तुम्हारा आंसर था बिल्कुल एकदम करेक्ट, आठ आंसर आया और आठ क्या था, एकदम करेक्ट। क्या पढ़ाएं भाई तुमको, देख लो कितना मुन्ना देख रहा है, क्या पढ़ाएं। फिर कहते हो सर टॉपिक पूरा, कितना टॉपिक पूरा हो गया है, अब देख लो देखने वालों की संख्या देख लो, और फिर तुम बोलने वाले सर ऐसे ही किया था, बहुत बढ़िया जाकर ऐसे किया था। अब तुमको क्या, फिर तुमको सीक्वेंस में करवाने का मन नहीं करता कि तुम्हारे को पूरा टॉपिक सीक्वेंस में करवाया जाए। पहले लेक्चर में तुम आते हो, जब टॉपिक स्टार्ट होता है, एक लेक्चर में आओगे, दो लेक्चर में आओगे, उसके बाद तुम नहीं आते, और फिर आके बोलते हो सर वो टॉपिक कंप्लीट हो गया क्या, सर क्या सर वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर आके ये पूछते हो, फिर क्या पूछते हो सर वो टॉपिक कंप्लीट हो गया जो स्टार्ट हुआ था। अब कौन कंप्लीट करवाएगा ऐसा, देखने वाले मुन्ना देख लो कितने मुन्ना देख रहे हैं, अब देख लो तुम खुद ही देख लो। फिर तुम कमेंट करते हो सर वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, सर उसको कंप्लीट करवा दो, सर वो भी स्टार्ट कर दो, सर ये भी स्टार्ट कर दो, सर बोलो यार क्या स्टार्ट कर दो, फिर ऐसे लगाओ इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। इस क्वेश्चन के लिए आंसर बताओ कितना होगा, कितना बनेगा, क्या बनेगा, कितना प्रोडक्ट आएगा टोटल। पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है, एक एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा, चार बनेगा, जल्दी से बताइएगा।
ऐसा थोड़ा ना होता है सर, बाद में देखते हैं, कभी कभार होता है जब काम होता है, चलो बाद में देखते हैं भाई, डेली थोड़ा ना होता है। अब ऐसे पढ़ाने का मन थोड़ा ना करता है जब एक मुन्ना देख रहा हो, दो मुन्ना, तीन चार मुन्ना देख रहा हो। आगे से लाइव देखेंगे तो ही लेक्शन ऐसे चलेगा सेशन, वरना रैंडम कुछ भी करवाएंगे बस। बहुत हो गया डिटेल में सिलेबस, तुम्हें पता है ना जिस हिसाब से क्लासेस चल रही है, तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट जितना नेट का सिलेबस होता है बिल्कुल यूट्यूब पे डल जाता है अभी तक तो। बट तुम वही होगी, तुम्हारी करने की इच्छा ही नहीं है सबकी। बताओ इसका आंसर करो फटाफट से, पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है Cl2H µ के साथ। तीन बनेंगे बोल रहे हैं सर, तीन बनेंगे। बाकी बोलो भाई, टोटल कितने बनेंगे? तीन ही बनेंगे मुन्ना। क्यों बनेंगे तीन? देखो बिल्कुल बिल्कुल तीन ही बनेंगे, तीन ही बनेंगे, तीन ही बनेंगे, तीन ही एकदम तीन। कैसे बनेंगे? देखो दो ही टाइप के हाइड्रोजन है यहां, यहां अगर बात करूं तो ये अलग है और ये वाला अलग है, बाकी सारे क्या है आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। ये कॉर्नर वाला किसी के साथ? सबके साथ सेम होगा, इसके साथ भी, इसके साथ, इनके साथ। इनको रिप्लेस करूंगा तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहां तो मुझे यहां से प्रोडक्ट मिलेगा, यहां यहां से प्रोडक्ट मिलेगा। ये दो डिफरेंट टाइप के प्रोटोन है, दो डिफरेंट टाइप के मेरे को हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे इनके जैसे अलग है, वो इन जैसे ही है। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं इनके अलावा, यहां अगर जब सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास? देखो यहां मेरे पास क्या बनेगा? Cl बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? ये वाला एक Cl यहां लग जाएगा। जब यहां Cl लगा है तो ये क्या बन गया? काइरल सेंटर बन गया। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो, अब इसमें ग्रुप सेम नहीं है दोनों तरफ चलोगे तो, यहां से यहां जाओगे तो CH2 है, यहां जाओगे तो उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है या दो हाइड्रोजन है। तो ये भी वाला ग्रुप अलग हुआ, ये वाला ग्रुप अलग हुआ, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो यहां स्टीरियो सेंटर बन गया, तो 2 की पावर 1 करोगे तो 3 बनेगा। और यहां से जब यहां सीएल लगा है तो यहां कोई स्टीरियो सेंटर नहीं बना, जैसा यहां है वहां है, आगे जाओगे सेम है। तो इस पे सारे ग्रुप क्या है, मतलब तीन ग्रुप एक जैसे आ रहे हैं, तो काइरल सेंटर नहीं है यहां। तो टोटल 1 + 2 करोगे तो कितना आएगा आंसर? 3 आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से फटाफट से। कितने लोगों को समझ में आ गई ये वाली बात? बोलो यार जल्दी से फटाफट से, कितने मुन्ना लोगों को ये कहानी समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बोलो। यस बोलिए। अब तुम्हारे पास जो अगला आएगा इसमें हम क्या करेंगे, नया टॉपिक जिसमें आपको एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या करना होता है, हैलोजिनेशन या क्या बोल सकते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। कौन सी पोजीशन पे? एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करना है। एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे जब सब्स्टिट्यूशन करने जाओगे तो तुम्हें दो तुम्हारे पास क्या क्या रिएजेंट मिल सकते हैं? सबसे पहले रिएजेंट देखो, सबसे कॉमन रिएजेंट तुमको एन ब्रोमो सक्सिनामाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। NBR मिलेगा, NBS जिसको बोलते हो, या आपको NCS भी लिखा मिल सकता है। क्लोरीन मिलेगा तो NCS मिल सकता है। ठीक है, तो इसको X मान ले सकते हो, आपको क्लोरीन भी मिल सकता है, NCS भी मिल सकता है। मतलब C क्या हो, आपके पास क्लोरीन दिया हो, अगर क्लोरीन दिया होता है एन क्लोरो सक्सिनामाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा तुम्हारे पास क्या दिया हो सकता है? X2 दिया हो सकता है, दूसरा X2 आपको दिया हो सकता है, क्लोरीन दिया हो सकता है, ब्रोमीन दिया हो सकता है। ठीक है, और आपको टेम्परेचर दिया हो सकता है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको क्या दिया हो सकता है? टेम्परेचर दिया हो सकता है। मतलब ये हमारे पास ऐसे ऐसे रिएजेंट मिल सकते हैं बेंजाइलिक और एलाइलिक के लिए। आ रही है बात समझिए? 1, 2 एंड 3 ये वाले आपको क्या दिए मिल सकते हैं? रिएजेंट्स दिए हुए मिल सकते हैं। क्या बात, वीडियो नहीं चल रहा मेरे पास, क्या बात है, रुका हुआ क्यों है?
तो क्या प्रॉब्लम हो गया? एनबीएस बिल्कुल। एलाइलिक पोजीशन पता है सबको, एलाइलिक पोजीशन कौन सा होता है? एलाइलिक पोजीशन में तुम क्या बोलोगे सर? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और उससे अगली पोजीशन ये वाली क्या होती है? एलाइलिक पोजीशन। और अगर इस पोजीशन की बात करूं तो इसको तो विनाइलिक बोलते हैं, ये तो बात सबको ही पता होगी ना, एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन। तो बेंजाइलिक बेंजीन के ऊपर सबसे पहली पोजीशन सी एस टू। अब देखो जो एनबीएस है ना, ये दो टाइप से काम करता है, तुमको पता है एनबीएस जो है वो दो टाइप से काम करता है। जब कार्बोकेटाइन पढ़ोगे तो वहां कुछ अलग रिएक्शन दे देता है ये। भाई हमारे पास अगर एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है तो हमारे पास अगर ये ऐसे आपके पास क्या है एनबीएस है, लेट्स सपोज आपके पास क्या है एनबीएस है। और एनबीएस की अगर मैं बात करूँ किसके अंदर है, अगर आप बात करोगे लाइट की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में, तब ये आपको क्या दे देता है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल दे देता है। और जब हमारे पास बात आती है किसकी, सिंपल अगर हम बात करते हैं जैसे कि वाटर के अंदर कर लिया, या कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन एल्किन के साथ रिएक्शन करवाई थी, या ये बोलूं जब लाइट और हीट ना दी हो, तो यहाँ में ब्रोमिनियम आयन जैसा रिएक्शन देखने को मिलता है। कैसे? एक रिएक्शन से देखोगे तो तुम यहाँ पाओगे, अगर इसके साथ रिएक्शन तुम्हारी करवाई जाए एल्किन के साथ H2O के प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, और NBS लिखा हो, तो कैसे रिएक्शन करवाते हो, क्या प्रोडक्ट बनता है बताओगे कोई एक बार? क्या प्रोडक्ट बना के आते हो तुम, क्या प्रोडक्ट बना के आते हो NBS के केस में? जब तुमको ये वाली चीज दी हो, H2O NBS दिया हो, तो तुम कैसा प्रोडक्ट बना के आते हो? बोलो जल्दी से, फटाफट से, फास्ट। बोलो भाई जल्दी आंसर करो, क्या बनाओगे? सिंपल होता है तुम्हारे पास, क्या बनाते हो तुम? सबसे पहले रिंग का फॉर्मेशन करते हो, देन क्या करते हो, वाटर का अटैक करवाते हो, ठीक है, और एक साइड क्या जोड़ देते हो? ब्रोमीन, और एक साइड क्या जोड़ देते हो? OH जोड़ देते हो, यही तो बनाते हो ना? बोलो यार जल्दी से। अगर तुम्हारे पास यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, लाइट के प्रेजेंस में, ऐसे दिया हो तुमको इसी के साथ, इसी के ऊपर, अगले पेज पे कर देता हूँ, अगली स्लाइड पे। अगर तुम्हें NBS दिया हो और वाटर दिया हो, तुम क्या करवाते हो? ये वाला प्रोडक्ट बना के आते हो, ठीक है, और यही तुमको रिएक्शन अगर क्या दी जाए, NBS लिखकर लाइट HMU के प्रेजेंस में दिया जाए, तो तुम कुछ ऐसा बनाओगे। आ रही है बात समझ में? तो NBS दोनों टाइप से काम करता है, क्या करता है? दोनों टाइप से काम करता है आपके पास। बिल्कुल सपना उपाध्याय, वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल क्या कर देगा? OH भी कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जब आपको NBS दिखाई देगा, तो NBS के केस में अगर लाइट और हीट है, तो वो किस रिएक्शन से जाएगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा, और बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन पे क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। मेजर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट की बात हम कर ही चुके हैं। मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला कब बनेगा, वुड्स डिकर में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बनता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज मैंने तुमको ये बताया कि कितना पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेगा, जैसे ये वाले क्वेश्चंस थे जिनमें हमने पॉसिबल प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया, जो कि स्टीरियो काइरल सेंटर देखकर हमको क्या करना था, प्रिडिक्ट करना था। अब मैंने आपके साथ क्या क्या कहा है कि बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन पे करना है, और मुझे ऐसा ऐसा कुछ भी मिल सकता है। अगर सिंपल देखो ना, अगर तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे पास नेट का क्वेश्चन आया हुआ है, नेट का क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे पास किसमें, शायद दिसंबर जून में ही था, कुछ ऐसा ही था, मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास पेपर होगा तो मैं अभी करवा देता हूँ, यही क्वेश्चन सेम, ऐसा ही क्वेश्चन था सेम। हाँ यही था बस, सेम बिल्कुल, मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा था। इसको बाद में करेंगे, CSIR नेट वाले क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा इसके बारे में और जान लो, NBS के बारे में, NBS के बारे में थोड़ा सा और जान लो। भाई हमारे पास अगर सिंपल प्रोडक्ट है NBS का, अगर लाइट हीट नहीं दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है? लाइट और हीट ना दिया हो तो हमको क्या करना है? जैसे आपको जो ये वाला प्रोडक्ट बनाया ऐसे चलना होता है, और आपको सिंपल अगर जैसे ये वाला दे दिया मैंने, यही वाली रिएक्शन दे दी, टोलविन दे दिया आपको, और टोलविन के साथ NBS डाल दिया, और NBS के साथ HMU की रिएक्शन करवा दी, ए बनाना है, क्या बनाओगे जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ क्या बनाओगे, जल्दी से बताओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये वाला है तुम्हारे लिए, ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर NBS से रिएक्शन भी करवानी है HMU की प्रेजेंस में, और पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है, पॉसिबल प्रोडक्ट,
इस क्वेश्चन में तुमको पॉसिबल प्रोडक्ट भी बताना है और क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट भी बताना है। पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है, दोनों चीजें बतानी है। जल्दी जल्दी से आंसर करो फटाफट से। पहले तो सिंपल वाला करो, पहला क्वेश्चन, उसके बाद नेट वाले लगाएंगे, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। बेंजाइलिक ब्रोमाइड, बिल्कुल क्या कर दोगे, सिंपल अगर हम देखें तो ये वाला क्या है मेरे पास, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का, उसकी नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक पोजिशन, उसके ऊपर क्या करना है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करोगे, CH2Br। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। बट बात आती है इसकी, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फिर नेट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा मुश्किल पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, ये तो आसान सा क्वेश्चन था जो तुमसे पूछा गया है। मुश्किल वाला क्वेश्चन कैसा आएगा देखिएगा, अगर ये तुमको दे दिया जाए और आपसे पूछ ले कि पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ भाई कितने आएंगे, NBS दे दिया और HMU की प्रेजेंस में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सबसे पहले बनाओ, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पॉसिबल प्रोडक्ट का केस आएगा तो कैसे बनाएंगे भाई। सिंपल, ये तो हमें पता है कि बेंजाइलिक पोजिशन पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, एलाइलिक पोजिशन पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, NBS दिया हुआ है, ब्रोमिन लगा देंगे। ठीक है, जिसने लाइक शेयर नहीं किया लाइक शेयर भी कर देगा भाई वीडियो को। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा पहले तो, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला एकदम, जल्दी आंसर करो। सर नेक्स्ट में एलाइलिक प्लस विनाइलिक ब्रोमाइड, सर नेक्स्ट में एलाइलिक प्लस विनाइलिक ब्रोमाइड। देखो जब जब आपके पास ना, जब जब आपके पास, जब भी आपके पास क्या है, पोजिशन वाला आए क्वेश्चन भाई, ऐसा है कि हम कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं, तो आप क्या करो, सबसे पहले पोजिशन बना लो कि हमारे पास एलाइलिक पोजिशन कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है। देखो मेरे को अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए बात करूँ तो यहाँ तुम्हें कितनी एलाइलिक पोजिशन दिखाई दे रही है, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, यहाँ बना लो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ बना देता हूँ। अब देखो, अभी सबसे पहले तुम ये देख लो कि एलाइलिक पोजिशन कितनी है। तुम कहोगे एक तो यहाँ दिखाई दे रही है सर, एक यहाँ दिखाई दे रही है और एक यहाँ दिखाई दे रही है। अब एलाइलिक पोजिशन का नंबर हो गया तीन मेरे पास, कितना हो गया टोटल, तीन पोजिशन। तो तीनों पोजिशन के लिए पहले तो फ्री रेडिकल बना दो उन्हीं पोजिशन के ऊपर, पहले तो जो जो पोजिशन तुमको दिखाई दे रही है एलाइलिक पोजिशन वहाँ रेडिकल बना दो, फ्री रेडिकल बना दो, जो जो एलाइलिक पोजिशन तुम सोच रहे हो उनको फ्री रेडिकल बना दो। क्या बना दो, फ्री रेडिकल बना दो भाई। तुमको लग रहा है कि यहाँ यहाँ क्या हो सकता है सर, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, पहले तो उनको फ्री रेडिकल बना लो। उनको फ्री रेडिकल बनाने के बाद क्या करना, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो सबके एक एक, क्या बना लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो सबके, यहाँ भी रेडिकल हो सकता है तुम कहोगे। तीसरा तुम क्या कहोगे, सर यहाँ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ रेडिकल वाला। ये तो हुई मेरे पास टोटल है, पॉसिबल है रिएक्शन में कितना बन सकता है, कितना हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक की बात, बोलो यार जल्दी से फटाफट से, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको भाई। पॉसिबल प्रोडक्ट नेट में आया हुआ है, नेट वालों ने तो सिंपल ही पूछा था, सब्स्टिट्यूशन ही करवाया था नेट वालों ने तो सिंपल, NBS दे के 2019 में ही पूछा है, 2019 का पेपर जो था तुम्हारा CSIR नेट का, उसी के अंदर पूछा था NBS का क्वेश्चन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा पूछ ले तुमसे कि हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे NBS के केस में बेंजाइलिक वाले, देखो सिंपल वाले तो तुमको बहुत क्वेश्चन करवा दिए, अगर तुमने लेक्चर पूरा देखा होगा तो ढेरों क्वेश्चन हमने कर लिए है, जिसमें हमने पूरी सारी पॉसिबिलिटी जितना तुम्हारा दिमाग खुला जा सकता है उतना खोल दिया, जितना तुम समझ सकते हो। इसमें तुम मुझे ये बताओ कि ये वाला बनाने के बाद इनके क्या बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे भाई, कौन कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तुम कहोगे सर रेडिकल को अगर मैं इसको यहाँ क्लीवेज करवाते हैं और इसको यहाँ करवाते हैं तो दूसरा मेरे पास क्या बनेगा पॉसिबल है, रेडिकल कहाँ जनरेट होगा, यहाँ तो मेरे पास अल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, इसके लिए रेडिकल ये वाला बनेगा, ये वाला एक रेडिकल ये वाला बना हुआ है ऑलरेडी। सेम इसके लिए देखो, ये वाला और यहाँ यहाँ तोड़ते हो तो इसको क्या बनाओगे, कुछ ऐसा तुम्हारे पास रेडिकल जनरेट होगा, एक ये वाला रेडिकल बनेगा। और इस केस में अगर मैं बनाऊंगा तो क्या करोगे, इधर और इसको इधर, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, तुम ये कहोगे यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ रेडिकल, छह तो यही बनेंगे क्या, इन छह में से कौन सा काट दूं, इन छह में से कौन सा काट दूं। सेम भैया जैसे तुमने पीछे केस किया था ना, जैसे ये वाला केस तुमने किया था पीछे, यहाँ तुमने क्या किया, हाइड्रोजन्स देखे थे भाई, कितने टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, उन हाइड्रोजन में जो सेम प्रोडक्ट दे रहा था उन हाइड्रोजन को तुम हटा रहे थे भाई। तुम वहां स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन को देखकर और वो हटा दे रहे थे कि ये वाला हाइड्रोजन तो एक पांच जो ये वाला है ना, इसको मैं सात नंबर हाइड्रोजन बोलता हूं, तो तुम बोलते हो एक और सात वाला तो सेम प्रोडक्ट देगा, तो एक को ही कंसिडर करेंगे। इस केस में देखो क्या करोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन गई है अपने पास, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो, यहां से दो आ रहा है मेरे पास प्रोडक्ट, जो रेडिकल बन रहा है क्या वो दोनों में सेम बन रहा है,
एकदम सेम बन रहा है सर, क्या बन रहा है, दोनों में सेम रेडिकल बन रहा है, तो सेम रेडिकल बन रहे हैं तो हम एक को ही कंसिडर करेंगे, दोनों को बार बार, एक प्रोडक्ट को दो बार काउंट थोड़े ना करोगे भाई। इन दोनों को अगर मैं बात करूं तो तुम्हें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों प्रोडक्ट क्या है मेरे पास है, ये वाले। अगर इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ही तुमने बनाई, इससे ये बनाया, इससे ये बनाया, इससे ये बनाया, तो तुम्हारे पास ये दोनों प्रोडक्ट, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है वो एक ही जैसी है, कॉमन है, तो एक को हटा देंगे हम, एक को काउंट ही नहीं करेंगे। मतलब मेरे पास पांच ही पॉसिबिलिटीज बनी है अभी, जो पांच प्रोडक्ट मेरे पास बन सकते हैं, मेरे पास पांच क्या आ चुकी है, पॉसिबिलिटीज आ चुकी है। अब तुम्हें पता है कि सर पांच पॉसिबिलिटीज आई है, अगर पांच पॉसिबिलिटीज आ चुकी है तो सिंपल सी बात ये क्या है, पांच पॉसिबिलिटीज आने के बाद हमको कायरल सेंटर भी तो देखने होंगे ना मुन्ना। कायरल सेंटर देखोगे कि नहीं देखोगे बोलो यार, कायरल सेंटर देखोगे या नहीं देखोगे, देखोगे ना, तो कायरल सेंटर देखेंगे तो जहां जहां रेडिकल बना है वहां वहां क्या करवा देंगे, सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे। तो पहले वाले केस को पकड़ लेता हूं, इस वाले केस को तो यहां से तुम क्या बनाओगे, तुम कहोगे सर ऐसा करो और यहां रेडिकल बना दो सर, बी आर लगा दो सर, ठीक है भाई, यहां क्या लगा दो, बी आर लगा दो। क्या कोई कायरल सेंटर बना है मुन्ना, क्या कोई कायरल सेंटर बन गया इसके आने से, तुम बोलोगे सर बिल्कुल बन गया कायरल सेंटर, तो एक कायरल सेंटर बन गया सर, ये वाला एक कायरल सेंटर है, बिल्कुल बन गया है। बोलो यार यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, कायरल सेंटर बन गया है। और कायरल सेंटर बनते ही तुम 2^1 कर देते हो तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका तो 2 आ गया, इसकी वजह से 2 आएंगे। इसको देख लेते हैं, इस वाले को अगर इस वाले को करेंगे तो क्या बनाओगे, फिर से भाई बी आर, इस रेडिकल वाली पोजिशन पे इस बार बी आर आ जाएगा, सिंपल। क्या कोई कायरल सेंटर बन गया, तुम बोलोगे सर बिल्कुल बन गया। बोलो यार जल्दी से, कायरल सेंटर दिखाई दे रहा होगा ना, ये वाला सेंटर कायरल है, जो डॉट कर देता हूँ ग्रीन कलर से वो कायरल सेंटर है, यहाँ ये वाला कायरल सेंटर है, यहाँ ये वाला कायरल सेंटर बन गया। और कायरल सेंटर 2^1 बनाए तो कितना कर दोगे, 2 यहाँ से बन दोगे। पहले दो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहां से मेरे को 4 पॉसिबल प्रोडक्ट आ चुके हैं मेरे पास, कितना 4 पॉसिबल। ये समझ तो आ रहा होगा ना तुमको, अरे मुन्ना लोग ये चीजें समझ तो आ रही है ना जो चल रही है, ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ क्या ये जो बातें चल रही हैं ये समझ में आ रहा है तुमको, यस और नो करो एक बार, और लाइक का आंकड़ा 10 बढ़ा दो। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त भयंकर क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या ये चीजें समझ में आ रही है, करना क्या है, मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तो बाद की बातें हैं, काउंट करना देखना, तो मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि किस प्रोसेस से हम चल रहे हैं, ये बताओ जल्दी से फटाफट, पहले तो बोलो रे, बोलने में भी दिक्कत मान रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनको उठा लो, इसको, इन वालों को, पहले दो वालों का बना दिया, 4 प्रोडक्ट आ गए, अब इस वाले को, सेंटर वाले को, इसको उठाते हैं, इसको उठा रहा हूं, इस वाले को यहां से उठाओगे तो यहां डबल बॉन्ड है, यहां करो क्या करोगे, बी आर लगा दोगे। क्या बी आर लगने से कोई रेडिकल, कोई कुछ बना है क्या, कहीं कायरल सेंटर जनरेट हुआ है क्या, पहले तो ये देख लो, कायरल सेंटर तो देखते पता चल जाता है भाई कहीं बना है कि नहीं बना, जहां लगा है वहां नहीं बना, बाकी दूसरी जगह तो सारे हाइड्रोजन है ही, तो यहां से एक आएगा मेरे पास, क्या आएगा, एक आएगा। इसके साथ वाला ये भी तो था ना, ये वाला रेडिकल भी तो है ना अपने पास, ये वाला रेडिकल, इस रेडिकल से बनाओगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बोलो फटाफट से, इससे बनाएंगे सर तो ऐसा बनेगा, यहाँ और यहाँ बी आर। अब देखो यहाँ कायरल सेंटर बन चुका है दोस्तों, यहाँ कायरल सेंटर आपके सामने आ चुका है, क्यों, इधर जा रहा हूं तो ऐसा कार्बन अलग है, यहाँ भी कार्बन अलग है और एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ भी एक कायरल सेंटर बन चुका है, और कायरल सेंटर बन चुका है तो 2^1 कर दोगे, 1 कायरल सेंटर है तो आंसर 2 यहाँ से आ गया, टोटल कितने आ गए, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, और अभी भी आपके पास ये वाला मामला बचा हुआ था, और इसमें से एक को तो हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि दोनों सेम ही एक ही जैसे थे, दोनों क्या थे, सेम एक ही जैसे थे। बोलो यार जल्दी से फटाफट से बोलो फास्ट आंसर करेंगे सभी। इसका और बना लो, क्या करोगे, कुछ नहीं करना, करना क्या, ये वाला बनाओ, यहाँ यहाँ रेडिकल जो है इस रेडिकल के ऊपर ब्रोमीन लगा दो, बस बात खत्म। ब्रोमीन लगाओगे तो फिर से कायरल सेंटर बनेगा, कायरल सेंटर बनेगा तो 2^1 कर दोगे, कितना बन गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, टोटल कितना बनेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट 9 आएगा। बोलो यार कितने लोगों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, पहले तो यस और नो बोलो, कितने लोगों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, पहले तो मुझे यस और नो बताएंगे, कितना, कौन सा पॉसिबल प्रोडक्ट कितना बना है, मेजर प्रोडक्ट कितना बना है, क्या बताओगे जल्दी से, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बताओ कौन सा बनेगा,
यस और नो बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया, मेथड समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा तो बता सकते हो कम से कम बोलकर कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, कैसे करना होता है पॉसिबल प्रोडक्ट को चेक। देखो दोस्तों सुनो, कुछ नहीं करना होता, सिंपल जो आपको अगर एलाइलिक बेंजाइलिक पोजिशन की बात आ रही है, रेडिकल की बात आ रही है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको ये देखना है कि पहले तो मेरे पास एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन कितनी है जहां मैं रेडिकल का सब्सटीट्यूशन कर सकता हूं, रेडिकल बनाकर वहां सब्सटीट्यूट कर सकता हूं ब्रोमीन से। आप सबसे पहले देखा आपने कि हमारे पास सर एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन, ये तीन पोजीशन मेरे पास क्या है जो एलाइलिक पोजीशन है एंड ब्रोमीन सक्सिनामाइड के केस में। पहले जहां जहां तुमने पोजीशन को टिक किया है वहां वहां रेडिकल बना लो, वहां वहां क्या कर लो, रेडिकल बना लो, यहां रेडिकल का फॉर्मेशन कर लिया हर जगह। रेडिकल का फॉर्मेशन करने के बाद उनका उनके जैसा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेगा, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो, क्या बना लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो। जैसे मैंने ये वाला रेडिकल जनरेट कर दिया, यहाँ यहाँ और यहाँ, तीनों में क्या बना दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये देखो कि जो बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, भाई मुझे पॉसिबल प्रोडक्ट काउंट करने हैं तो मैं एक स्ट्रक्चर को दो बार तो काउंट करूंगा नहीं, तो मैंने यहाँ मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है कि ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल जो है बिल्कुल एक ही जैसा है, दोनों के दोनों क्या है, एक ही जैसा है। एक जैसा है तो किसी एक को कंसिडर करेंगे, दूसरे को हटा देंगे, तो किसी एक को कंसिडर किया तो मैंने इसको हटा दिया, अब मेरे पास पॉसिबल पांच बन गए। आपके पास अब पांच पॉसिबल प्रोडक्ट आप मान के चलते हो, बट पांच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जहां भी मैं रेडिकल, जहां रेडिकल है वहीं तो मैं सब्सटीट्यूशन कर करके देखूंगा। अगर सब्सटीट्यूशन करने से, जैसे तुमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, अगर वहां काइरल सेंटर बन रहा होगा, जैसे ये वाले क्वेश्चन, जैसे ये वाले क्वेश्चन हमने हर हाइड्रोजन को हटाकर देखा, अगर किसी में काइरल सेंटर बन रहा था तो उसको 2n नंबर ऑफ काइरल सेंटर जितने बन रहे थे वो कंसिडर किए थे। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो, यहाँ इस क्वेश्चन में एक सब्सटीट्यूशन से दो काइरल सेंटर बने थे, तो 2 की पावर 2 मैंने किया था और टोटल चार बना दिए थे, टोटल चार पॉसिबल प्रोडक्ट इसी एक सब्सटीट्यूशन से। आ रही है बात समझिए, सेम आपको यहाँ करना है। यहाँ जैसे जैसे आप एक एक को उठाकर ब्रोमीन या उसका सब्सटीट्यूशन करोगे, क्लोरीन होगा तो क्लोरीन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन, जैसे ब्रोमीन लगाया तो आपने इस पोजीशन पे ब्रोमीन लगाया तो आपने देखा कि यहाँ एक काइरल सेंटर बन रहा है, और काइरल सेंटर बनते 2 की पावर 1 बन रहा है, तो 2 की पावर 1 मतलब इस जगह पे, इस पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन करने से दो प्रोडक्ट मिलेंगे। सेम तुमने नीचे वाले को चेक किया तो फिर तुमने पाया कि यहाँ ब्रोमीन को लगाने से, इस रेडिकल पे लगाने से भी मेरे को 2 की पावर 1 दो रेडिकल, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो टोटल क्या हो गए, इसी एक से चार प्रोडक्ट मिल गए। सेम इसको देखा तुमने, इसको किया तो तुम्हारे पास कोई काइरल सेंटर नहीं बना, तो वो एक जो बना है वही प्रोडक्ट रहेगा, एक वो हो गया। इसको चेक किया तो तुमने यहाँ जैसे ही सब्सटीट्यूशन किया इस पोजीशन पे, तो तुम्हारे पास एक काइरल सेंटर बन गया यही वाला, और काइरल सेंटर बनते तुमने 2 की पावर 1 किया तो तुम्हारे पास आंसर आया 2। तुमने अभी चार प्रोडक्ट, ये थे हमारे पास चार प्रोडक्ट देखने में, इन चार प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट अपने पास 7 बन रहे हैं। देखो पॉसिबल प्रोडक्ट बने 7 बन रहे हैं। अब हमारे पास एक ये बचा हुआ है, क्योंकि एक तो हमने एलिमिनेट कर दिया था, इस पे जैसे मैंने सब्सटीट्यूशन किया तो मैंने फिर देखा कि यार इससे भी एक काइरल सेंटर बन रहा है ये वाला, और काइरल सेंटर बन रहा है तो दो प्रोडक्ट ये भी देगा, टोटल 9 प्रोडक्ट बन गए। अब मुझको मेजर और माइनर बता दो, मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा, लाइक और शेयर कर दो जिसने लाइक शेयर नहीं किया है, मेजर और माइनर बता दो, लाइक और शेयर कर दो, मेजर माइनर लाइक शेयर। बोलो मेजर माइनर लाइक शेयर, मेजर माइनर बताइएगा कौन सा मेजर होगा। अब प्रोडक्ट तुम्हारे सामने है, सारे बना दिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो यही बनेंगे, इतने ये बना दिए बस, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाले, ये जो बना रखे हैं इनमें से मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा वो बताओ बस जल्दी से, मेजर माइनर बताइएगा, मेजर माइनर कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। जल्दी आंसर करो रे बड़ा बड़ से, मेजर माइनर का, मेजर किसको मानोगे माइनर किसको मानोगे, बोलो यार। ये तो तुम बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हो किसी चीज का भी, यहाँ ना कुछ नहीं बोलते हो भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हो, ना हाँ बोलते हो ना ना बोलते हो। पिछले 5 मिनट से मैं यही पूछ रहा हूँ, समझ में आया मेजर प्रोडक्ट बता दो, किसी का रिप्लाई नहीं आया ऐसा ही। एक बजे लास्ट रिप्लाई है, उसके बाद किसी का रिप्लाई नहीं है, क्या पढ़ा ले तुमको, क्या पूछ रहे तुमसे। देखो भाई मेजर माइनर प्रोडक्ट चेक करने के लिए सबसे पहले देख लो रेडिकल जो बन रहा है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल बन रहा है,
रेडिकल जो बन रहा है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल रेडिकल बन रहा है। सिंपल सी बात, तो यही चेक कर लो कि रेडिकल जो बन रहा है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ठीक है भाई, रेडिकल रेडिकल चेक कर लो, रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं है, अल्फा प्रोटॉन कितने हैं उसके बगल बगल में, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं वो चेक कर लो। अगर तुम यहाँ वाले रेडिकल की बात करते हो, इस रेडिकल की बात करते हो, तो तुम कहोगे यहाँ भी अल्फा पोजीशन पे है, यहाँ भी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन देखोगे तो कितने पाओगे तुम अल्फा पोजीशन पे, तुम कहोगे सर यहाँ मेरे पास कितने हो जाएंगे, तीन यहाँ से आ जाएंगे, दो यहाँ से आ जाएंगे, पांच अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, और रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है ये वाला जो प्रोडक्ट है, तीन हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल पांच तो हाइड्रोजन है इसके पास, इस रेडिकल के अल्फा हाइड्रोजन, और एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये, एक क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इस रेडिकल की बात करोगे तो तुम क्या कहोगे, यहाँ इसके पास सिर्फ दो हाइड्रोजन है, अल्फा पोजिशन पे दो हाइड्रोजन है और एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसके लिए दो अल्फा हाइड्रोजन है और एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ देखे तो पांच अल्फा हाइड्रोजन है, एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आ रही है बात समझ में? बोलो इन रेडिकल के लिए बात कर लेते हैं, इन वालों के लिए बात करेंगे तो क्या बनाओगे, जल्दी से बोलो यार फटाफट से, सबके लिए आंसर करेंगे, ऐसे नहीं सबके लिए आंसर करो फटाफट से, क्या क्या बनाओगे बोलो रे, जल्दी जल्दी से फास्ट करो जल्दी से। तुमको पता चल गया कि पहले वाला जो है वो सबसे पहले मेजर और माइनर बनेगा, पहले वाले में आएगा, यही सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा दोनों में से। अब तुम्हारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है, देखो मेजर तो इनसे आएगा, ये तो कंफर्म हो गया कि मेजर इनसे आएगा, ये वाले इनके कंपैरिजन में देखोगे रेजोनेंस और अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो कम पाएंगे, तुमको कम मिलेंगे इन बाकी में। बट कम मिलने के बाद तुमको एक चीज देखनी है कि ये दो दो प्रोडक्ट मिले दोनों में से मेजर किसको बोलोगे, दो बने हैं उन दो में मेजर किसको बोलोगे, दो बने तुम्हारे पास ये वाले दो है तुम्हारे पास, एक तुमने ये वाला बनाया है, एक तुमने क्या बनाया है ये वाला बनाया है, एक तुमने ये वाला बनाया है। इन दोनों में मेजर कौन सा होगा, इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कैसे देखेंगे, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा भाई, पहले से दो से बने हैं ना, एक इससे बनेगा, कहाँ बनाया यार मैंने, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में हमें पता है कि मेजर तो यही आएगा, बाकी कंपेरिजन में तो ज्यादा अमाउंट में कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। अब दोनों में से ज्यादा मेजर कौन सा बनेगा, कैसे डिसाइड करोगे दोनों में से ज्यादा, भाई सब में से तो हमने ये निकाल लिया कि सर ये बाकी से क्या होगा, ये वाली पोजीशन पे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो आए हैं ना वो ज्यादा बनेंगे, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा बनेगा ये पूछना है मैंने यही पूछना है कि दोनों में से ज्यादा कौन सा बनेगा। सिंपल अल्किन का देख लो भाई, जिसका ज्यादा मामला फिट बैठ रहा होगा अल्किन का उसी का ही हो जाएगा, जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके लिए देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन या मोर सब्स्टिट्यूटेड बोल दो, यहाँ छह अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ कितने हैं दो अल्फा हाइड्रोजन है, बस बात खत्म। ये वाला क्या होगा, मेजर होगा, बोलो यार अभी भी नहीं समझ आ रहा तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अभी भी नहीं समझ आ रहा तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा मुन्ना लोग जल्दी से फटाफट से, क्या बनेगा जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से आंसर करो, इसका भी करो और इसका भी आंसर करना है। ये तुम्हारा नेट में आ गया है, ये वाला नेट वाला ही क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला नेट का ही क्वेश्चन है तुम्हारा, इसका आंसर करो। क्या बनाओगे, ए प्रोडक्ट तुमको दिया हुआ है ये वाला, सी प्रोडक्ट तुमको दिया हुआ है ये वाला, बोलो CH2Br बन जाएगा, CH2Br बन जाएगा जी, मम्मी वर्मा गा रहा है जी, बिल्कुल क्लियर है, देखो इसको देखो अभी, सिंपल है भाई, एलाइलिक पोजीशन चेक किया और बना दिया, बस बात खत्म, क्या कर दिया
बना दिया। ये वाला क्वेश्चन नेट में आया 2019 के अंदर, 2019 के अंदर, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2019 का ही है, देखो 2019 के अंदर नेट के अंदर आया। करो आंसर 2019 के अंदर आया ये वाला क्वेश्चन, करो आंसर क्या रहेगा। क्या रहेगा आंसर मुन्ना, जल्दी से बोल दिया जाए मुन्ना। ए बी सी बोल दो सारे। इसको सोल्व करो, तब तक अगला क्वेश्चन लिखो, सोचो। सिंपल सेम ही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है जो अभी किया उसी पे। इस क्वेश्चन का आंसर करो सारे। पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है कितना बनेगा। बोलो जल्दी से फटाफट से, कितना बनेगा पॉसिबल प्रोडक्ट इसके लिए, इसके लिए कितना पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से बताइएगा फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने दे दिया, ये मानो कि मामला उसका सेट हो गया एकदम से। बिल्कुल एकदम सही, लास्ट वाले का बोल रही हो क्या, ये सही है। करो आंसर क्या रहेगा। क्या रहेगा जल्दी बोल दिया जाए, क्या रहेगा मामला, क्या रहेगा आंसर। बोलो भाई, दो बोल रहे हो क्या, दो बोल रहे हो क्या, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है दो, लास्ट वाले का बोल रहे हो। इसका बोलो कितना आएगा पॉसिबल प्रोडक्ट, कितना आएगा पॉसिबल प्रोडक्ट, कितना आएगा। एलाइलिक सिस्टम अभी करवा के आया हूँ, पीछे वाला क्वेश्चन उससे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, उससे बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी पोजिशन एलाइलिक पोजिशन है। तुम कहोगे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये वाली एलाइलिक पोजिशन है सर, ठीक है। ये वाली क्या बनेगी, एलाइलिक पोजीशन बनेगी कार्बन कार्बन के साथ जो नेक्स्ट अगली कार्बन। तो सबसे पहले तो मैं क्या बना लूँ, रेडिकल बना लेता हूँ, जो जो पोजीशन मेरे को लग रही है उस पर क्या बना लेता हूँ, रेडिकल बना लेता हूँ। ये वाला रेडिकल बना लिया सर। रेडिकल बनाने के बाद तुमको क्या बोला था, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाओ। रेडिकल बनाने के बाद उसका क्या करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाओ। क्या करोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या करोगे मुन्ना, ऐसे ऐसे ऐसे। दूसरा रेडिकल क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, सी एच थ्री सी एच रेडिकल, और इधर मेरे पास क्या होगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। आ रही है बात समझ में, दोनों प्रोडक्ट अब तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट आ चुके हैं, टोटल टोटल प्रोडक्ट कितने आ चुके हैं, दो। कैसे, अगर इस रेडिकल से मैं क्या करता हूँ ब्रोमीन लगाता हूँ, इस रेडिकल से जब प्रोडक्ट बनाऊंगा ब्रोमीन लगाऊंगा तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और उसी के साथ क्या है, इधर हाइड्रोजन है और इधर मेरे पास क्या है, सी एच टू सी एल। आ रही है बात समझ में, ये वाली सॉरी ब्रोमीन लेके चल रहे हैं तो बी आर लगा देंगे, ठीक है। इससे बनाता हूँ तो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। यहाँ कायरल सेंटर बन रहा है मुन्ना, इस केस में कायरल सेंटर बन रहा है, कायरल सेंटर बन रहा है तो टू की पावर वन टू बनाओगे, जो कि तुम्हें पता है कायरल सेंटर बन गया तो आर और एस डिफरेंट डिफरेंट आएंगे ना, एक को अबो लूंगा एक बार बिलो लूंगा प्लेन, अबो एंड बिलो प्लेन लूंगा तो टू की पावर वन, दो डिफरेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट आ जाएंगे। इस केस में देखो कितने मान के चल रहे हो, एक नहीं मानोगे। इस केस में देखो तुम्हारे पास जब अगर तुम चेक करोगे तो ये टोटल तीन कैसे बोलोगे, तुमने तीन ऐसा बोला कि एक इसके लिए और एक इसके लिए, वन प्लस टू बोला, तुमने क्या बोला थ्री बोला, क्या बोला थ्री बोला। अब देखो ये ऐसा भी तो हो सकता है मुन्ना, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक बार ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों क्या रहे सेम साइड रहे हो सकता है, और ये सी एच टू बी आर ऐसे रहा हो,
बोलो यार। हो सकता है ये एसेरा हो जिसको तुम ई और जेड कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। दो अलग अलग प्रोडक्ट, तो ये यहाँ स्टीरियो सेंटर नहीं दिख रहा, अल्किन तो दिख रहा है। अल्किन के रिस्पेक्ट में दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? भाई तुमने स्टीरियो सेंटर वाले केस सारे किए तो तुम्हारे दिमाग में ये तो दिमाग में था। अल्किन वाले में पॉसिबल प्रोडक्ट, ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्या दोनों प्रोडक्ट की? बोलो यस और नो बोलो सारे, जो 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 दो तीन आंसर कर रहे थे वो ये बोलेंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्या प्रोडक्ट की? सिस और ट्रांस पॉसिबिलिटी नहीं है क्या प्रोडक्ट की? बोलोगे सर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं है, एकदम है। लाइक और शेयर कर देंगे, जितना लोग देख रहा है सभी, जिसने लाइक शेयर करना भूल गया पहले लाइक शेयर कर देगा। बोलो भाई जल्दी से फटाफट से एक बार आंसर करेंगे, क्या समझ में आई ये वाली बात सबको? क्या ये वाली बात समझ में आई मुन्ना सबको? जल्दी से बोल दो फटाफट से। सिस और ट्रांस टोटल कितना बन गया? चार बन गया मुन्ना। आंसर क्या हो जाएगा? चार। ठीक है बोलो यार जल्दी से। दोनों में से मेजर माइनर कौन सा होगा? दोनों में से मेजर माइनर कौन सा होगा? ये वाला मेजर होगा, ये वाला होगा, नीचे वाला होगा या ये होगा, कौन सा मेजर होगा? बोलो भाई मेजर कौन सा होगा? ये वाला मेजर होगा, कौन सा मेजर होगा? ये वाला और ये वाला, दोनों में से मेजर कौन सा होगा? बोलो मेजर कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी में मेजर प्रोडक्ट बताइएगा, फिर क्लास को एंड करते हैं यहीं। मेजर माइनर बताइएगा फिर एंड करते हैं क्लास को। सभी आंसर करेंगे मेजर और माइनर, कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा? ए वाला मेजर बनेगा सर, ए वाला, ए वाला क्या बनेगा? मेजर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पांच अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कितना होंगे? पांच अल्फा हाइड्रोजन। और दूसरे वाले में चेक करोगे तो यहाँ सिर्फ आपके पास कितने होंगे? एक दो अल्फा हाइड्रोजन। एक कितना होगा अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक ही अल्फा हाइड्रोजन, एक ही अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ भाई सबको? ठीक है ये था आज का फ्री रेडिकल का क्लास। अभी तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ए आई बी एन वाला, ए आई बी एन वाला पढ़ा होगा, ए आई बी एन वाला तुमने पढ़ ही रखा होगा। ठीक है ये मैंने स्टार्टिंग में भी तुमको बताया था रेडिकल का क्या करते हैं, जब हमें फॉर्मेशन करके हैं, फॉर्मेशन दिखाई थी तब मैंने तुमको आपको बताया था। आज तुम्हारा सेशन रहेगा शाम को अन अकेडमी लर्नर ऐप के ऊपर, बिल्कुल फ्री क्लास है जो कि, और वो फ्री क्लास में हमने क्या करना है अगर तुम बात करो फ्री क्लास की अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर 6 PM क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक के बेस्ट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कहाँ? ऐप के ऊपर शाम को 6 बजे। ठीक है स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होती है, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो BKM10 कोड आप यूज करके क्लास को अनलॉक कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम ऐप के ऊपर जाते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजेश कुमार के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करते हो तो आप ऐप के अंदर जाओगे, वहाँ आपको क्लासेस जो मिलेगी वो लॉक मिल सकती है, तो पहली बार विजिट करोगे तो उनको अनलॉक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? BKM10 कोड कर सकते हो यूज, और 10% डिस्काउंट के लिए भी आप क्या कर सकते हो? BKM10 कोड यूज कर सकते हो, आप 10% क्या पाओगे? डिस्काउंट भी पाओगे दोस्तों, 10% डिस्काउंट के लिए कोड आप यूज कर सकते हो। ओके थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। BKM10 ठीक है भाई।